राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो अक्सर एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। इसी क्रम में अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस टूल किट का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा के इस टूल किट की किटकिट से जनता परेशान है, ये कोई काम तो करते नहीं, इसलिए इन्हें बयान मंत्री बना दे। दिल्ली लखनऊ के ओलंपिक में ये बेचारे गेंद की तरह हैं। दिल्ली का रैकेट इधर से लखनऊ भेजता है तो लखनऊ का रैकेट दिल्ली, ये हारे हुए हैं और कृपा पात्र मंत्री जी हैं, इसलिए ये चुपचाप सब सहने पर मजबूर हैं। ये राजनीतिज्ञ नहीं, राजनीति के शिकार है। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज याकूब को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के एक अपार्टमेंट में फिरोज याकूब छुपा हुआ था। एसपीसीडी की स्पेशल टीम और खरखौदा पुलिस ने 8 महीने से फरार चल रहे फिरोज याकूब को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोज पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है और 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आपको बता दें कि 31 मार्च को मेरठ पुलिस ने याकूब के मीट प्लांट अल फहीम मिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में छापा मारा था। विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने में जुटी है। इसके लिए आज से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी। बीजेपी कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और हर घर तिरंगा अभियान के क्षेत्र और जिलों के संयोजक मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्यशाला दोपहर 1 बजे राज्य मुख्यालय में आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई है। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराने की बात कही गई है। इस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं जामा मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की जाएगी। यूपी की राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर लगा एक बैनर चर्चा में है। इसमें अयोध्या रेप केस को लेकर टिप्पणी की गई है और निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अयोध्या सामूहिक रेप कांड में उनके एक बयान को बैनर में लिखा गया है, साथ ही ये उसमें अयोध्या कांड के आरोपियों को लेकर भी टिप्पणी की गई है। ये बैनर बीते रविवार रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता श्वेता सिंह का लगाया बैनर लखनऊ में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें अयोध्या सामूहिक रेप कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर हमला बोला गया। श्वेता सिंह के नाम से लगाए गए इस बैनर में अयोध्या रेप कांड के आरोपी मुईद अहमद के बचाव में डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर हमला बोला गया है। बैनर में लिखा गया है, लड़के हैं गलती हो जाती है, मुईद है गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान नजूल भूमि विधेयक लोक प्रायोजनार्थ प्रबंध और उपयोग पेश किया था, जिसे विधानसभा में पास कर दिया गया। लेकिन गुरुवार को यूपी विधान परिषद में जबरदस्त हंगामे के बीच ये बिल अटक गया। इस बिल पर सीएम योगी को न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि कई बीजेपी नेताओं और सहयोगी दलों का भी विरोध झेलना पड़ा। वहीं अब एक बार फिर सपा ने एक्स पोस्ट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा और लिखा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों योगी सरकार नजूल बिल जरूर पास करवाएगी और बुलडोजर चलाकर करोड़ों गरीबों को बेघर करेगी। भाजपा शासित योगी सरकार की नजर गांव, कस्बों, जिलों में जमीन, मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों पर है। उद्योगपतियों को जमीन सौंपने का ये खेल भाजपा शासित सरकार खेल रही है। जनता को बेघर करने वाली ये भाजपा सरकार बेदर्द, निर्मम और भ्रष्ट है। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। जस्टिस रंजन रॉय की बेंच इस याचिका पर दोपहर करीब 3 बजे सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। याचिका में बीजेपी की पूर्व सांसद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राम भुआल निषाद ने तथ्यों को छुपाकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन किया है। राम भुआल निषाद के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए हैं, जबकि उन्होंने केवल 8 की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और जनता की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार में पहुंचे। इस दौरान उनका अलग रूप एक बार फिर देखने को मिला। आपको बता दें कि कल भी सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया था और अधिकारियों को पीड़ितों की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने जनता दरबार में दूर दूर से आए बच्चों का हाल जाना, इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को दुलार भी किया। अयोध्या के भदरसा गैंगरेप कांड में गिरफ्तार आरोपी सपा नेता मोईद खान के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। शनिवार को उसकी बेकरी पर बुलडोजर चलाकर उसे धराशाही किया गया था। आज उसकी उस बिल्डिंग पर बुलडोजर चल सकता है जहां 2012 से पुलिस चौकी संचालित हो रही थी।
हालांकि मामला सामने आने के बाद रातों रात पुलिस ने चौकी को भदरसा से भरतकुंड शिफ्ट कर दिया था। दरअसल आरोपी मोहित खान की ये बिल्डिंग कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाई गई। 2012 से इसी बिल्डिंग में पुलिस चौकी चल रही थी। मोहित खान के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर और गिरफ्तारी होने के बाद रातों रात पुलिस ने चौकी को भदरसा से भरतकुंड शिफ्ट कर दिया था। जानकारी के मुताबिक मोहित खान के एक मल्टी कॉम्प्लेक्स पर भी पीला पंजा चल सकता है। सपा नेता एसटी हसन ने अयोध्या रेप कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि योगी सरकार केवल हिंदू मुसलमान करती है। उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग पर कहा कि अच्छी तरह से मामले की जांच कराई जाए, अगर सपा नेता अपराधी है तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, लेकिन सियासत ना की जाए। आखिर डीएनए टेस्ट कराने में परेशानी क्या है? देश देख लेगा क्या गलत है, लेकिन इनकी असलियत सामने आ जाएगी।